पार्टनर जब बार बार शक करता है तो क्या करे, इसके बारे में काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं। बहुत सारे पुरुष और महिलाएं अलग अलग आते रहते हैं और पति पत्नियों में शक जो होता है उसके लिए वो चर्चा करते, बोलते भाई वो शक कर रहा है मैं क्या करूं, तो इसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आज में चर्चा करने वाला हूं। क्या होता है कि जब विश्वास नहीं रहता है या भरोसा जो है वो उड़ जाता है तो फिर शक करना चालू हो जाता है, पति हो या पत्नी हो। और जब शक हो जाता है तो झगड़े और लड़ाई बार बार होने लगती है। तो ये जानना होगा कि भाई ये शक क्यों करता है, कोई भी अपना पार्टनर जो शक कर रहा है तो शक क्यों कर रहा है, शक की वजह जानना होगा। क्या मैंने ऐसा किया कि जिसके वजह से ये शक कर रहा है? हो सकता है कि व्हाट्सएप में ऐसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं जो पार्टनर ने पढ़ लिए, या आपके कोई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो पार्टनर ने सुन लिए या देख लिए, या वो नंबर देख लिए कि भाई अनजान नंबर है वहाँ से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, या आपको कोई मिलने आ रहा है, या मतलब ऐसा कारण देखना पड़ेगा कि ऐसा उनको शक क्यों आ रहा है, पति को या पत्नी को शक क्यों आ रहा है। तो वो वजह जानने की कोशिश करें, बात करें, फिर उनके साथ में देखो कि भाई उनके साथ में बात करो और बोलो कि भाई हम रिश्ते में क्यों हैं, मतलब पति पत्नी है तो भाई हम रिश्ते में क्यों हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो रिश्ते में क्यों हैं, मतलब व्हाई ढूंढना है, व्हाई क्यों ढूंढना है, कि भाई हम प्यार करने के लिए रिश्ते में कि शक करने के लिए, हम शादीशुदा है अभी शक करना है और अपना जीवन बर्बाद करना है कि भाई भरोसा रखना है, तो वो देखना पड़ेगा इंटेंशन। फिर हम देख सकते हैं कि भाई क्या प्रूफ है कि मैं ऐसा शक करता हूँ या करती हूँ, क्या प्रूफ है मेरे पास में, कुछ प्रूफ है कि मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत से लोग बोलते मुझे ऐसा लगता है, भाई कहाँ लगता है, लगता कहाँ है, चमड़ी को लगता है, कान को लगता है, आँख को लगता है, ऐसे फिर भ्रम कर लेना कि भाई ऐसा लगता है। नहीं, वो लेट आते हैं घर में ऐसा लगता है। अभी मेरे पास में एक कपल आया था, उन्होंने बोला, वो औरत जो है उसकी बोल रही थी कि घर में लेट आते हैं और दोस्तों के साथ में घूमते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो होमोसेक्सुअल है या बायसेक्सुअल है, मतलब घर में भी करते हैं सेक्स मगर वो होमोसेक्सुअल भी है, ऐसा उसको शक बार बार आ, क्योंकि मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं उसको, मतलब उसके दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो नहीं बोलता है, बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और बोले वो बाहर से जब लेट आता है तो मेरे साथ में वो सेक्स करता नहीं है, तो इसका मतलब ये बाहर पुरुषों के साथ में करता हूँ, मतलब वो शक आ रहा उसको औरत को, तो ऐसा भाई क्या ऐसा हो गया वो देखना पड़ेगा, और फिर अपना इंटेंशन क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई मैं रिश्ते में हूँ क्यों। फिर अभी इसमें ये सब देखने के बाद में अपने पार्टनर का सम्मान करना चालू करो। हो सकता है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता होगा, फिर उनको लगता है कि भाई मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, तो पार्टनर का सम्मान करना चालू करना है, रिस्पेक्ट करना चालू करना है और प्यार करना चालू करना है। यदि प्यार नहीं करते तभी प्यार करना है। आपको लगता है कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, और हो सकता है कि सामने वाले को लगता है कि प्यार नहीं करते। फिर पार्टनर को फैसले में शामिल कर लो, जो भी फैसला आप करें, जो भी डिसीजन ले रहे उसमें भी शामिल करो, क्योंकि बहुत सारे औरतों को ये रहता है कि मुझे पूछते ही नहीं है, मुझे बताते ही नहीं क्या कर रहे, तो फिर मुझे शक आता है बार बार कि भाई करते क्या है। तो पार्टनर को फैसले में शामिल कर लो। फिर पार्टनर को अकेलापन मत महसूस होने दो कि भाई अकेला हूँ या अकेली हूँ, क्योंकि अकेलापन जब महसूस होता है कोई भी पार्टनर को तो फिर उसको दिमाग चल हो जाता है। मतलब समझो अभी आदमी बहुत बाहर है, सवेरे 7 बजे निकल जाता है कंपनी में, रात को 8-9 बज जाते हैं, अब घर में औरत अकेली रहती है, दिमाग में चालू विचार, फिर टीवी देखती है और टीवी फिर वही कुछ ना कुछ ऐसी सीरियल्स की जहाँ बस शक है, कुछ ना कुछ चालू है, सस्पेंस है, शक है, और फिर वो उसके मन में घुस जाता है। तो वो भी देखना है कि भाई अकेलापन जब महसूस होता है तो भाई उसका माइंड कैसा बिजी रहेगा, तो वो यदि करते हैं तो ठीक है। अब ये बार बार प्रूफ, कभी ऐसा होता है कि नहीं नहीं वो जो है शक है ना, वो शक सच्चा साबित होता है कि सचमुच वैसा है, तो फिर कबूल कर लो जो भी है वो, और कबूल करके वो वहाँ से कमिटमेंट करके अभी इसके बाद में ऐसा नहीं होगा, कमिटमेंट करके पूरा कर दो, कंप्लीट कर दो। और यदि वैसा नहीं है और तभी भी शक हो रहा है और उसकी वजह से झगड़े झंझट हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि औरत हमारे पास में जेंट्स लोग लाते हैं लेडीज़ को, और फिर उनको ये उनका कहना कि बहुत शक कर दिए और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको हम पूछते कि भाई क्या प्रूफ है क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, बोलता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी खुद बोलता है उसके पास में कोई प्रूफ नहीं है, ना व्हाट्सएप की कोई मैसेजेस है, ना उसने कभी कॉल्स के देखे, मतलब कुछ भी प्रूफ नहीं है और तभी भी वो शक कर रही है। तो
तो फिर वो आता है पैरानॉइड डिलीजेंस में, शकीली बीमारी, शक की बीमारी। या फिर आदमी को औरत के बारे में शक आता है कि भाई मैं वहाँ रहता हूँ, यह कुछ तो भी गड़बड़ करती है और इसका कुछ तो भी संबंध है किसके तो भी साथ में। अब घर वाले सब बोलते हैं, वो लड़के के माँ बाप बोलते कि हमारी बहू ऐसी नहीं है, बहुत ही अच्छी बहू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी भी ये शक कर रहा है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ शक है। तो फिर ये आदमी का इलाज करना पड़ेगा, पैरानॉइड डिल्यूजन इसको है और उसका इलाज दवाइयों से और गोलियों से करना पड़ेगा। मगर वो शक इतना मजबूत नहीं है कि भाई उसको डिल्यूजन बोले, शक है। तो फिर दोनों ने आपस में एक दूसरे में ये प्रॉब्लम सुलझा लेना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, वो जरूरी है ताकि दोनों के रिश्ते अच्छे बनेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है इसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर, वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश, जुनून, उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।